हेलो स्टूडेंट, आज का हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका से बताने वाला हूं स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। किलोग्राम को हम ग्राम में कैसे बदलते हैं, अगर आपको अच्छे से सीखना है स्टूडेंट तो आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ किलोग्राम, तो किलोग्राम को स्टूडेंट हम केजी से डिनोट करते हैं और ग्राम को हम जी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जब किलोग्राम का स्टूडेंट बात हो तो एक केजी बराबर स्टूडेंट एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। एक केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अगर आपको किलोग्राम की बात किया जाए, अगर कहीं भी किलोग्राम का बात किया जाए तो एक केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। अगर ये आपको पता है स्टूडेंट कि एक केजी बराबर कितना ग्राम होता है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है कि एक केजी में कितना ग्राम होता है। तो अब आइए चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 14 केजी। तो अब स्टूडेंट 14 केजी को हमको ग्राम में बदलना है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक चीज़ आपको याद रखना है स्टूडेंट कि अगर हम केजी को हम ग्राम में बदल रहे हैं, जब भी स्टूडेंट अगर हम केजी को ग्राम में बदल रहे हैं तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको 1000 का मल्टीपल करना है। जब भी स्टूडेंट आपको किलोग्राम को ग्राम में बदल रहे हो तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको 1000 का मल्टीपल करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 14 केजी है, तो 14 केजी स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए 1 केजी बराबर कितना होता है स्टूडेंट, 1000 ग्राम होता है। तो 14 केजी बराबर क्या होगा स्टूडेंट, तो 14 इंटू 1000 1000 का हमने मल्टीपल क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि एक हमें पता है कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 14 केजी बराबर, तो 14 इंटू 1000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 14000 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। आपको जब भी स्टूडेंट किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपको 1000 का आपको मल्टीपल करना है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सेकेंड क्या है, सेकेंड है 25 किलोग्राम, 25 केजी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो 1 केजी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 1000 ग्राम, तो 25 केजी क्या होगा स्टूडेंट, तो 25 इंटू 1000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 25000 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है, थर्ड है 6 केजी और 525 ग्राम, 6 केजी 525 ग्राम, और हमको इसको पूरे को ग्राम में बदलना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो जो ग्राम में है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी पहले से ही ग्राम में है उसे हम चेंज नहीं करेंगे, जो केजी में है उसको हम चेंज करेंगे ग्राम में, ठीक है स्टूडेंट। हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, हम ग्राम में बदल रहे हैं, किलोग्राम को हम ग्राम में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 6 केजी 525 ग्राम है, तो जो केजी में है उसको हम ग्राम में बदलेंगे, जो ग्राम में है जो ऑलरेडी पहले से ही ग्राम में है उसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 6 केजी, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 6 केजी बराबर तो हम लिखेंगे 6 इंटू 1000 ग्राम प्लस 525 ग्राम हमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए 6 इंटू 1000 ग्राम, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 6000 ग्राम प्लस 525 ग्राम। तो इसको जब स्टूडेंट हम इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6525 ग्राम, ठीक है सर, मतलब 6525 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कि 8.725 केजी है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, अब इसको बदलना है स्टूडेंट हमें ग्राम में, तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। मैंने भी बताया था कि जब भी स्टूडेंट आपको किलोग्राम को अगर आपको ग्राम में बदलना है तो आपको सिर्फ 1000 का मल्टीपल करना है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको 1000 का मल्टीपल करना है। यहाँ पर कितना है, 8.725 केजी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 8.725 और इंटू करेंगे 1000 का, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, अगर हमको इस पॉइंट को कैंसिल करना है, अगर हमको दशमलव को कैंसिल करना है, हटाना है, तो हमारा क्या रूल होता है, यहाँ पर जब हम इस दशमलव को कैंसिल करेंगे तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होता है हम उतना जीरो नीचे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो नीचे हम 3 जीरो लगा देंगे। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें बचा क्या ऊपर, 8725, क्योंकि 10 पॉइंट तो कैंसिल ही हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 8725, ये किस में आ जाएगा स्टूडेंट, ग्राम में,
ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट कि किलोग्राम को हम ग्राम में कैसे बदलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे पूरा उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इस वीडियो में किलोग्राम को ग्राम में बदलना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टूडेंट। थैंक यू।